गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं राय राजेश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि 9th क्लास में हम लोग साइंस वन की पढ़ाई कर रहे थे और साइंस वन में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था गति के नियम। गति के नियम में अब तक हम लोग ने पढ़ चुका था कि वेग और विस्थापन क्या होता है, गति क्या होती है, उसके समीकरण हम लोग ने पढ़ा, त्वरण के बारे में हम लोग ने पढ़ाई किया। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो हम लोग का चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था न्यूटन के गति संबंधी नियम। हम लोग ने न्यूटन के गति संबंधी पहला और दूसरा नियम पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो न्यूटन का गति संबंधी एक बार जैसे हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि जो प्रथम नियम होता है न्यूटन का गति संबंधी, वह क्या होता है। कोई भी पिंड अपनी गतिशील अवस्था या विरामावस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई भी बाहरी असंतुलित बल प्रयोग ना हो। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि कोई भी वस्तु, अगर कोई वस्तु जहां रखी है वो वहीं रखी रहेगी, या कोई गाड़ी है, बाइक है, जो अगर गतिमान है, चल रही है, तो उसी अवस्था में चलते रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते। बाह्य बल का अर्थ है जैसे हम लोग गाड़ी को रोकने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, या अगर कोई गेंद रखी हुई है टेबल के ऊपर तो वो गेंद टेबल पे ही रखी रहेगी जब तक कि हम उसको अपने हाथ से नहीं उठाएंगे। तो यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम था जो कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि कोई भी पिंड अपनी गतिशील अवस्था या विरामावस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल का प्रयोग ना। हम लोग ने न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम भी पढ़ लिया था बच्चों, और दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसका अर्थ ये होता है कि समझो यह एक टेबल है, यहाँ पे टेबल है और तुम यहाँ पे इस टेबल को धक्का दे रहे हो, इस टेबल को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। तो जिस दिशा में आप बल लगाओगे, जिस दिशा में आप उसको धक्का दोगे, वह उसी दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में नहीं आएगा। अर्थात अगर आप इस तरफ इस साइड में इसको धक्का दे रहे हैं तो ये इसी साइड जाएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा। तो दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने देखा कि न्यूटन के गति संबंधी पहले जो दो नियम है यह बल से संबंधित है, क्योंकि हम लोग जब कोई बल लगा रहे हैं तो कोई चीज वहां से अपने जो स्थान परिवर्तन कर रहा है। पहले नियम के अनुसार जैसे कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन के गति संबंधी जो पहले दो नियम थे वह बल और बल के परिणाम की जानकारी देते हैं। परंतु बच्चों, बल यह जो है प्रकृति में अकेला नहीं हो सकता है, यह हमेशा जोड़ी में प्रयुक्त होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम के बारे में। इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। क्रिया, यह वर्ड आप याद रखो, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। इस चीज को अगर आप याद रखोगे कि क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन, तो न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन। अर्थात कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसकी समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसको कैसे हम देखेंगे, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समझिए कि यह एक दीवाल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, उदाहरण से हम लोग को ज्यादा है। यह एक दीवाल है और यहां से आप एक कोई बॉल है, इस बॉल को इस दीवाल पे मार रहे हैं, इस दीवाल पे मार रहे हैं। क्या होगा, बॉल दीवाल से टकराएगा और वापस हमारी तरफ आएगा।
आप अगर धीमी गति से बॉल को दीवार की तरफ मारेंगे तो बॉल उतनी ही गति से आपकी तरफ आएगा, लेकिन अगर इस बॉल को आप जोर से दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, बॉल टकरा के उतनी ही तेजी से हमारी तरफ आएगा। तो हम क्रिया क्या कर रहे हैं, बॉल को दीवार में मार रहे हैं, और जितनी जितना बल हम उस गेंद पे लगा रहे हैं उसने ही बल से वह वापस हमारे पास आ रहा है। अगर हम धीमे से इस बॉल को दीवार पे मांगेंगे तो धीरे से हमारी तरफ आएगा, लेकिन अगर जोर से मारेंगे तो वह गेंद जोर से आएगा। तो ये यही बताता है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाली प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत। हम इस दिशा में देखो इसको बॉल को मार रहे थे और टकरा करके क्या कर रही थी, विपरीत दिशा में आ रही थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे कुछ और उदाहरण बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो बॉक्सर हैं, अब एक क्या कर रहा है, एक दूसरे वाले बॉक्सर को, रेड वाला ब्लू वाले को पंच कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में क्या कर रहा है, ये पहले वाले को पंच कर रहा है। तो इसका जो बल है, यह जो अपना दम लगा रहा है, इसका दम रेड वाले का इस दिशा में लग रहा है और ब्लू वाले का इस दिशा में लग रहा है। तो प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, तो इसमें जैसे कि हम लोग बंदूक से गोली दागते हैं, यह भी न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। या रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है, यह भी न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। कैसे, इसमें से जब आप देखोगे, जब भी रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है, ऊपर छोड़ा जाता है, तो नीचे इसके जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारी मात्रा में ईंधन नीचे की तरफ, धुआं और अग्नि उत्पन्न होती है, वह नीचे की तरफ एग्जॉस्ट होती है और वह पुश करती है इसको ऊपर की तरफ। तो यह भी क्रिया और प्रतिक्रिया अर्थात न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। तो बच्चों यह तो हो गया हमारा न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम। एकदम सा सिंपल है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि अब यहाँ पे एक और उदाहरण आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लोग एक टेबल को धक्का मार रहे हैं। यह क्या कर रहा है, ब्लू वाला इस तरफ धक्का मार रहा है और जो ऑरेंज वाला है वो इस तरफ धक्का मार रहा है। दोनों का बल समान है लेकिन जो दिशा है वह विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। बच्चों यह चीज ध्यान में रखना है आप लोग कि क्रिया और प्रतिक्रिया ये बल को स्पष्ट करने वाली बातें हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती हैं ये बल फोर्स को स्पष्ट करती है। ये बल जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होते हैं, बल स्वतंत्र रूप से कभी अस्तित्व में नहीं रहता है। हमेशा जब भी बल लगेगा वह जोड़ी द्वारा ही लगता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, टेबल को धक्का मार रहे थे, या फिर आप ये समझ लो कि न्यूटन का गति संबंधित तीसरा नियम यह कहता है कि जैसे हम वॉकिंग करते हैं, हम चलते हैं, तो हम जमीन को धक्का मारते हैं और उसके रिएक्शन में जमीन हमको पुश करता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। हम पानी पर चल सकते हैं क्या, पानी पर नहीं चल सकते, लेकिन जमीन पे चलते हैं। क्यों, क्योंकि हम जमीन को धक्का मारते हैं और उसके रिएक्शन में जमीन हमको धक्का मारता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग याद रखना कि यह जो बल होता है हमेशा जोड़ी में प्रयुक्त होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में या स्वतंत्र कभी भी नहीं रहता है। और दोनों जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही होती है वह दोनों एक ही समय में कार्यरत होते हैं। ये नहीं कि क्रिया हम लोग ने अभी किया उसकी प्रतिक्रिया आधे घंटे बाद आएगी, तुरंत उसी समय क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों उसी समय आते हैं। जैसे हम लोग ने बॉल को दीवाल से मारा तो बॉल क्या करेगा, आधे घंटे बाद प्रतिक्रिया नहीं देगा। जैसे ही हम लोग बॉल को मारेंगे, जितना बल लगाएंगे वह बल उतनी धीमी गति से या उतनी तेज गति से हमारी तरफ आए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया यह दोनों एक ही समय में कार्यरत रहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं,
वे एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते, इस कारण ये बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब एक ही पिंड प्रयुक्त होता है ऐसा नहीं है, सभी पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये बल जो है एक दूसरे के प्रभाव को कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा कि न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम क्या था। सिर्फ एक्शन रिएक्शन याद रखना। न्यूटन के गति संबंधी पहले दूसरे और तीसरे नियम में बच्चों हम लोग को बहुत सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी जब एग्जाम में लिखते हैं कि भूल जाते हैं कि पहला नियम कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था। तो पहला नियम जो है वह आप इस तरह याद रखेंगे, जड़त्व के अनुसार। जड़त्व मतलब कि जो चीज जहां है वहीं रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा याद रखेंगे संवेग परिवर्तन की दिशा, अर्थात जिस दिशा में हम बल लगाते हैं संवेग उसी दिशा में होता है। और तीसरा था एक्शन रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है संवेग अविनाशिता का नियम। अब संवेग के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि संवेग क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं बच्चों कि जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है, यह संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग या वेलोसिटी। द्रव्यमान को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और वेग को V से दर्शाते हैं, और संवेग को हम लोग मोमेंटम इसको M लेटर से बताते हैं। तो M बराबर होता है P, संवेग को हम लोग P लेटर से डिनोट करते हैं, तो P बराबर होता है हमारा M गुणे V, P बराबर होता है M गुणे V। M क्या है, द्रव्यमान, और V क्या है, वेग। तो संवेग का अर्थ आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि संवेग में मास और वेलोसिटी होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक बार फिर से, क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों को संवेग को लेकर डाउट था, तो संवेग का मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, उससे हम लोग समझेंगे। समझो बच्चा कि यहाँ पे जैसे एक छोटा लड़का कोई भी खड़ा है, आप खड़े हो यहाँ पे, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और एक कोई बच्चा है छोटा सा अपना बाइसाइकिल लेकर के आपकी तरफ आता है और आपको क्या करता है, ये हिट करता है, क्या होगा? समझो कि इसकी स्पीड जो है वह स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी जगह पे एक समझो कोई कार है, इससे बड़ी गाड़ी कार है, वह अगर आपसे आकर के टकराएगी तब क्या होगा? और इसकी भी स्पीड उतनी ही है, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक कल्पना करिए कि अगर इसकी जगह पे कोई ट्रक है, भारी भरकम ट्रक है, अगर ये ट्रक हेलो सर, हाँ हाँ सर, कॉल आ गया था ना तो लिंक उठ गया था। ओके सर, हाँ हाँ मैं वापस आ गया। हाँ तो बच्चों कॉल आ गया था, इसकी वजह से हमारा लिंक उठ गया था। तो हम लोग संवेग का उदाहरण देख रहे थे और मैं आपको ये बता रहा था कि संवेग होता क्या चीज है। तो सीधे अक्षरों में आप कहोगे कि संवेग यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसी को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा था कि कैसे द्रव्यमान और वेग का यह गुणनफल होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं और एक छोटा बच्चा जो है कि अपनी बाईसाइकिल लेके आता है, साइकिल लेके आता है, उससे अगर आपकी टक्कर होती है जिसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड है समझो,
और उसकी जगह पे एक अगर कार आती है जो कि कार आपसे टकराती है, तो आपको इमेजिन करना है कि क्या होगा, और इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और उसकी जगह पे आप यह सोचेंगे कि अगर कोई बड़ा ट्रक है, अगर वो ट्रक आपसे टकराएगा तब आपकी स्थिति क्या होगी, यह आपको करना है। और इसका भी जो स्पीड है वह उतना ही है, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस साइकिल की भी स्पीड मतलब वेग 10 किलोमीटर थी, कार की भी उतनी स्पीड थी, और ट्रक की भी जो स्पीड जो वेग है वह सेम है, लेकिन इन तीनों चीजों में अंतर क्या है, द्रव्यमान का। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सी चीज आपको ज्यादा नुकसान करेगी, तो हम लोग को समझ में आएगा कि जो ट्रक है, अगर ट्रक आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको ज्यादा नुकसान करेगा, जबकि इसमें गति जो है, जो वेग है, सबका समान है, लेकिन इस ट्रक का जो द्रव्यमान है, इस ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो द्रव्यमान जब ज्यादा रहेगा तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग समझेंगे। समझिए कि 10 मिलीग्राम की कोई एक पेन का ढक्कन ले लीजिए, आप कैप ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे कैप एक ले लेते हैं। समझिए कि ये कैप है, एक कैप है, कोई भी पेन का कैप है, इस यह 10 मिलीग्राम का है। अगर इसको आपके ऊपर फेंका जाता है, आपकी तरफ हम मारते हैं, और उतने ही मिलीग्राम की अगर गोली लिए है हम लोग, बंदूक की गोली, इसका भी द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है, समझिए दोनों का द्रव्यमान सेम है, लेकिन अगर ये पेन के कैप को आपकी तरफ फेंक के मारेंगे और उतने ही वजन की गोली, उतने ही द्रव्यमान की गोली को अगर हम लोग बंदूक से मारेंगे, तो दोनों में क्या अंतर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैप से थोड़ा हल्का सा हमको दर्द लगेगा, नहीं लगेगा, परंतु उतने ही द्रव्यमान की गोली से अगर हम लोग मारेंगे, बंदूक से मारेंगे, तो क्या होगा परिणाम आप जानते। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान सेम है, लेकिन जो वेग है वह दोनों का अलग अलग है। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसे हम लोग कहते हैं संवेग। अब हमको बच्चों यहाँ पे पढ़ना है संवेग अविनाशिता का नियम। तो संवेग अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि यदि दो पिंड की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। इनका कहने का मतलब है कि समझो कि यह एक पिंड है और यह एक पिंड है, अगर इन दोनों में टक्कर होगा, समझो कि यह हमारा यह ए है और ये बी है, तो जो स्टेटमेंट, जो यह नियम क्या कहता है, यदि दो पिंडों की टक्कर होती है, मतलब ए और बी, समझो ये हमारा ए है और ये हमारा पिंड बी है, ए है और ये बी है, अब इन दोनों की जब टक्कर होगी, तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। मतलब कि इस समय जो इनका संवेग है, मतलब m इंटू v, संवेग क्या रहता है m इंटू v, और टक्कर के बाद के संवेग के, दोनों बराबर रहता है। तो इसी को हम लोग समीकरण के द्वारा सिद्ध करेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो इसको, इसके नियम को पढ़ने के लिए हम लोग बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि संवेग अविनाशिता का जो नियम होता है वह क्या कहता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमने दो पिंड लिए, आप पहले एक चीज को समझ दीजिए कि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरह से समझा देता हूँ कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो पिंड है, यह समझिए पिंड ए है और ये पिंड बी है, ए और बी,
इसका द्रव्यमान m है या पिंड वन का m1 समझ लीजिए और पिंड b का द्रव्यमान समझ लीजिए। तो यह दोनों एक दिशा में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। अब समझिए कि एक का जो गति है, जो एक की गति है, वेग है, वह b से ज्यादा है। तो जब पिंड a का वेग b से ज्यादा रहेगा तो कुछ समय बाद क्या होगा कि यह जो पिंड a है वह b से क्या करेगा, टकरा जाएगा। a यह b से क्या करेगा, टकरा जाएगा। तो जब टकराएगा तो क्या होता है कि b इस तरफ फोर्स लगाएगा और a इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो जब b फोर्स लगाता है तो a थोड़ा पीछे आ जाता है और b थोड़ा सा आगे जा जाता है। तो ये आपको तीन कंडीशन समझना है कि यह टक्कर के पूर्व की अवस्था थी कौन सी, जो पहले यहाँ पे हम लोग ने दिखाया हुआ है, ये टक्कर के पूर्व की अवस्था थी कि एक द्रव्यमान m1 है, द्रव्यमान m2 है और प्रारंभिक वेग समझ लो इनका हमारा u1 था और इसका प्रारंभिक वेग u2 था। तो ये जब जा रहे थे और जो पिंड a है उसकी गति, इसका वेग थोड़ा ज्यादा था, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, टक्कर हुआ। अब टक्कर होने के बाद a दोनों बल लगाए, b विपरीत दिशा में, a दूसरी दिशा में बल लगाया, तो इनका संवेग परिवर्तन हुआ। अब हमको यही सिद्ध करना है कि जो प्रारंभिक संवेग था वो टक्कर के बाद दोनों का संवेग समान था, यही चीज हमको यहाँ पे देखनी है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि मान लिया हम लोग ने दो पिंड लिया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि माना हम लोग ने दो पिंड लिया, पिंड A का द्रव्यमान जैसा हम लोग ने देखा m1 और प्रारंभिक वेग क्या था u1, उसी प्रकार पिंड B का द्रव्यमान m2 और प्रारंभिक वेग उसका u। अब संवेग के सूत्र के अनुसार क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू v। तो यहाँ पे प्रारंभिक संवेग अर्थात पिंड A का प्रारंभिक संवेग होगा m1 u1, इन दोनों का गुणनफल m1 u1, और B का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, m2 u2। प्रारंभिक संवेग अर्थात कि जब टक्कर होने के पहले इन लोग का जो संवेग था, पिंड A का संवेग होगा m1 u1 और पिंड B का संवेग होगा m2 u2। इतना आप समझ के रखो। अब कंडीशन दूसरा मैंने बताया था क्या, टक्कर होते समय। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस समय दोनों पिंड की परस्पर टक्कर होती है, दोनों गेंद टकराते हैं, तो पिंड A पर पिंड B के कारण समझो F1 बल प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने बताया कि जो पिंड A है उसके ऊपर B क्या करेगा, बल प्रयुक्त करता है, तो F1 प्रयुक्त होता है और पिंड A त्वरित होता है, मतलब कि पीछे की तरफ आता है और उसका वेग हो जाता है हमारा V1। टक्कर के बाद कंडीशन बता रहा हूँ, A हो जाता है V1, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक वेग या संवेग को हम लोग U1 से दर्शाते हैं और अंतिम संवेग को V से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने दिया कि पिंड A पर पिंड B के कारण जब F1 बल प्रयुक्त होता है तो पिंड A त्वरित होता है और उसका वेग हो जाता है V1। तो टक्कर के पश्चात, अब एक टक्कर के पहले हम लोग ने देखा था A का प्रारंभिक संवेग क्या था, m1 u1। अब टक्कर के पश्चात जब टक्कर हुई तब उनका संवेग क्या हुआ, किसका, पिंड A का, m1 v1। उसी तरह से अब पिंड A जो है वह B पर क्या करेगा, वो भी बल प्रयुक्त करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब पिंड A B पर समान बल विपरीत दिशा में प्रयुक्त करता है तो उस समय संवेग में परिवर्तन होता है और माना उसका वेग हो जाता है V2। तो B का टक्कर के पास पश्चात संवेग जो होता है वह होता है m2 v2, आ इस पे बल प्रयुक्त होता है F2। B F1 बल लगा रहा था और A F2 बल लगा रहा था,
तो यहाँ पे जो न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जब चूंकि यहाँ पे विपरीत प्रतिक्रिया, बल समान रहेगा, F2 बराबर F1 होगा, लेकिन दिशा विपरीत होती है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया F2 बराबर माइनस F1। अब यह जो बल होता है बच्चों F, यह हम लोग ने बड़ा पढ़ा हुआ है कि बल बराबर F बराबर होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम लोग ने F2 की जगह पर रख दिया M2 A2 बराबर माइनस M1 A1। ये स्टेप आप समझ लेना कि यहाँ पे हम लोग ने क्या दर्शाया है कि दोनों बल समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते प्रयुक्त होते, इसलिए F2 बराबर माइनस F1 दर्शाया, और बल बराबर होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसको F2 की जगह हम लोग ने रख दिया M2 A2 बराबर माइनस M1 A1। अब A त्वरण, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में लगा हुआ समय। तो इसको हम लोग A बराबर V माइनस U बटे T के द्वारा दर्शाते हैं A को। तो जहां भी A है उसकी जगह पे हम लोग V माइनस U बटे टी रख देंगे। तो M2 अब A2 था तो इसकी जगह पे V2 माइनस U2, मतलब V माइनस U ही है, सिर्फ A2 था इसलिए हम लोग ने V2 माइनस U2 लिखा, बराबर माइनस M1 V1 माइनस U1 बटे टी। अब यहां से हम लोग T को कैंसिल कर देंगे, A T दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां क्या बच जाएगा M2, यहां पे बच जाएगा M2 बराबर माइनस M1 ब्रैकेट में V1 माइनस U1। अब इसका गुणा करेंगे M2 का V2 में करेंगे तो M2 V2 हो गया, माइनस U2 में करेंगे तो M2 U2 हो गया, बराबर माइनस M1 V1, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया M1 U1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमको यह मिला M2 V2 माइनस M2 U2 बराबर माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अंतिम वेग है टक्कर के पश्चात उसको एक जगह लाएंगे और टक्कर के पूर्व को एक जगह ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है माइनस M2 U2, उसको जब पक्षांतर करेंगे, जब उसको इस तरफ लेके आएंगे यहाँ पे, तो वह क्या हो जाएगा प्लस, और V1 को लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया M2 V2, और यहाँ पे जो ये माइनस M1 V1 था यहाँ पे आके प्लस M1 V1 हो गया, बराबर M1 U1, और ये माइनस M2 U2 आ गया है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि यह जो M2 V2 प्लस M1 V1 है यह अंतिम संवेग का परिमाण था, और M1 U1 प्लस M2 U2 जो है वह प्रारंभिक संवेग का परिमाण था। तो हम लोग ने यहाँ पे सिद्ध किया कि अंतिम संवेग का परिमाण यह प्रारंभिक संवेग के परिमाण के बराबर होता है। तो ये था बच्चों हमारा संवेग अविनाशिता का नियम। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ ये समझना है कि दो पिंड हैं, उनका प्रारंभिक वेग क्या है दोनों पिंडों का, U1 U2, और टक्कर के बाद क्या वेग हो जाता है V1 V2। तो प्रारंभिक संवेग जो होगा A का M1 U1, B का प्रारंभिक संवेग M2 U2, टक्कर के बाद A का अंतिम संवेग क्या होगा M1 V1, और B का अंतिम संवेग क्या होगा M2 V2। अब यह हमको मालूम पड़ गया, तो यहाँ पे न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम लगाएंगे कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो F2 बराबर F1, जो बल लग रहा है बल समान होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है, इसलिए हम लोग ने लिखा F2 बराबर माइनस F1। अब F बराबर होता है M इंटू A, तो जहां पर भी A दिया हुआ था हमारा
ए का मान दिया हुआ था, वहां पे हम लोग ने फिर ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, यह त्वरण होता है, तो हम लोग ने एम टू वी टू माइनस यू टू बटे टी बराबर माइनस एम वन भी वन माइनस यू वन बटे टी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे संवेग अविनाशता का नियम सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि दो पिंडों के बीच जब टक्कर होती है तो टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। अब बच्चों आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जो आपने अभी संवेग के बारे में पढ़ा, संवेग अविनाशता के नियम के बारे में पढ़ा, उसी पे आधारित यहाँ पे दो प्रश्न दिए हुए हैं। देखते हैं हम लोग दोनों प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों आपको, वह दिया हुआ है कि एक तोप का द्रव्यमान 500 केजी है, उसमें गोला दागने के पश्चात तो 0.25 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रतिक्षेपित होती है, तो तोप का संवेग ज्ञात करिए। अब आपको जब सवाल देगा तो सबसे पहले आपको डेटा लिखना है कि सवाल में क्या दिया है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिख देते हैं कि तोप का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 500 kg, और वेग मतलब वी वो कितना दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग ने अभी पढ़ा था कि संवेग P बराबर होता है m गुणे v, तो यहाँ पे हम लोग ने सूत्र लिख दिया कि संवेग बराबर m इंटू वी बराबर 500 गुणे 0.25। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल तो बेहद ही आसान था कि आपको संवेग निकालना था और संवेग का सूत्र रखना था कि संवेग बराबर होता है मास इंटू वी, एम इंटू वी, एम का मान दिया था और वी का मान दिया था, दोनों का मान हम लोग ने रख दिया और सवाल सॉल्व हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ बच्चों, देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है कि गेंद के द्रव्यमान क्रमशः 50 ग्राम और 100 ग्राम है, तो यह आप दिमाग में लगा लीजिए कि दो गेंद है, एक का द्रव्यमान, द्रव्यमान अर्थात एम मास, एक का द्रव्यमान 50 ग्राम है और दूसरे का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, वे एक ही रेखा में एक ही दिशा में 3 मीटर पर सेकेंड और 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं। अब पहले वाले का जो वेग है v का मान वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, और दूसरे वाले का 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब टक्कर, जब उनकी टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात पहली गेंद 2.5 मीटर वेग से गतिशील होती है, तो दूसरी गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। अभी जैसा हम लोग ने उदाहरण में देखा कि दो गेंद जा रहे थे, फिर दोनों के बीच में टक्कर हुई, तो एक गेंद का वेग क्या हो गया 2.5 मीटर सेकेंड हो गया, तो जो दूसरी गेंद है उसका वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा लिख लेंगे कि पहली गेंद का द्रव्यमान, तो यहाँ पे आम जैसा दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है 50 ग्राम, तो इसको हम लोग को द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको 50 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.05 किलोग्राम में आ जाएगा ये। और दूसरी गेंद का द्रव्यमान कितना 100 ग्राम दिया था, अब इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। अब दोनों का द्रव्यमान एम वन एम टू का मान आ गया। अब प्रारंभिक वेग, पहली गेंद का प्रारंभिक वेग कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, तो यू वन बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी का कितना था यू टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब टक्कर हुआ तो पहली गेंद का अंतिम वेग क्या हो गया था 2.5, तो V1 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी का पूछा हुआ कि टक्कर के बाद दूसरी गेंद का वेग क्या हुआ, तो ये पूछा हुआ है कि ये कितना होगा। तो अभी हम लोग ने संवेग अविनाशता के सिद्धांत को पढ़ा, तो संवेग अविनाशता का सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को याद रखिए कि प्रारंभिक कुल संवेग बराबर होता है अंतिम कुल संवेग के, यह हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोग का फॉर्मूला था यम वन, हम लोग का फॉर्मूला था यम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर
M1V1 + M2V2। अब इसके मान रख देंगे बच्चों, हम लोग को सबका मान मालूम है, M1 का मान 0.05 था, U1 का 0.3 कर देंगे, प्लस ब्रैकेट में M2 का 0.1 था गुड़े U2 का 1.5 बराबर, सबका मान रखते जाना है। यहाँ पे M2 का 0.05 गुड़े जो V1 था 2.5 प्लस M2 का 0.1 और V2 यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग जब गुणा कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 0.15 और 0.1 और 1.5 का गुणा करेंगे तो 0.15 और यहाँ पे 0.05 2.5 का गुणा करेंगे तो 0.125 और प्लस V2 में इसका गुणा हो जाएगा तो 0.1V2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.03 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर 0.125 प्लस 0.1V2। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो इसका आंसर आता है हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे इसमें से माइनस करके यहाँ पे, तो ये आता है 1.75 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल में बच्चों देखिए, आपको सॉल्व तो खुद से गुणा भाग पे करना ही है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि डेटा सही तरीके से लिखना है, क्या चीज दी हुई है उस चीज की जानकारी। तो बच्चों आपको डेटा इसमें लिखना है और सूत्र पे सिर्फ मान रखकर निकाल लेना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को जो आज हम लोग ने पढ़े वो समझ में आई होगी। अगर कुछ शंका होगा तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट आया होगा तो पूछ सकते हैं। हेलो, किसी कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है हैंड रेज कर सकते हैं। आपको सब समझ में आया बेटा? धीरज सर कोई रेज हैंड नहीं कर रहा है? एक रेज हैंड है सर। बोलिए ना, अगर कुछ डाउट है बच्चे को तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। अच्छा, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। ओके सर। हेलो सर। बोलो बेटा। हेलो सर, 16 पेज नंबर जो हल किए हुए उदाहरण है सर, मुझे वो। हाँ, उसमें क्या डाउट है बोलो, उसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो सर। उसमें जो फर्स्ट वाला उदाहरण है ना सर, वही समझाओ ना सर, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, देखो बेटा उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक तोप का द्रव्यमान दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो आपको सवाल दिया है कि एक तोप का द्रव्यमान 500 kg है। द्रव्यमान का मतलब होता है एम, और दागने के पश्चात उसका वेग 0.25 हो जाता है, मतलब कि V। आप पूछा है कि संवेग कितना होगा, आप सिर्फ इतना याद रखो कि संवेग बराबर होता है M into V। संवेग बराबर होता है M into V। तो M मतलब द्रव्यमान, V मतलब वेग, दोनों दिया हुआ, दोनों को गुणा कर दिए हम लोग यहाँ पे और ये आ गया 125 किलोग्राम। और कोई डाउट, और किसी कोई डाउट है? हेलो सर। बोलो बेटा। हेलो सर। बोलिए बोलिए सर। आप ये क्वेश्चन आंसर ना मुझे इसके आ नहीं रहे, आप बताओगे हमें? कौन सा? ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। हाँ
इसमें तो पहले जोड़े मिलाओ दिया, जो स्वाध्याय की बात कर रहे हो ना आप लोग। हाँ स्वाध्याय में बच्चों देखो अभी इसमें जोड़े मिलाओ दिया है, जो आपने अभी पढ़ा ऋण तोरण क्या होता है, धन तोरण क्या होता है, शून्य तोरण क्या होता है, वहां से इसको कर सकते हो। फिर अंतर स्पष्ट करना है दूरी और विस्थापन में, एक समान गति और असमान गति। आपको पढ़ाते टाइम ये चीजें बताई गई कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। तो इसके ज्यादा नहीं, दो दो पॉइंट खाली आप डिफिनेशन परिभाषा को भी पढ़ेंगे तो अंतर आपको मालूम पड़ जाएगा, वहां से लिखना है। फिर आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मतलब कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वह आपके टेक्स्ट बुक का दिया है। वैज्ञानिक कारण दिया हुआ है बच्चों, जब हम लोग का वापस रिवीजन होगा तो वैज्ञानिक कारण और जो इसमें सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया है वो बताया जाएगा। चलिए और आज जो कंटेंट पढ़े उस पर पूछिए। सर बोलो बेटा, आज का होमवर्क क्या है सर? होमवर्क बच्चा आज का देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा, संवेग के बारे में पढ़ा और उस सिद्धांत के आधार पर हम लोग ने दो सवाल किए। अब आपके जो स्वाध्याय में दिया हुआ है पेज नंबर 17 पे सातवां क्वेश्चन देखोगे तो ये उसी उदाहरण के आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसमें अ आ ई ई चार सवाल दिए हैं, इन चारों सवालों को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? और आज आपका जो पहला चैप्टर है वह पहला चैप्टर समाप्त होता है, ये अंतिम यहाँ पे कंटेंट लास्ट था, पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो एक बार फिर से आप लोग पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। और कोई डाउट? बोलो सर, ये जो न्यूटन का पहला नियम उसमें मुझे डाउट है। न्यूटन का पहला नियम? हाँ ठीक है, देखो न्यूटन के पहले दूसरे और तीसरे नियम में ना कभी भी ऐसा डाउट आता, कंफ्यूज रहते बच्चे, लेकिन अगर आप यह चीज याद रखो कि पहला मतलब जो चीज जैसा है वैसी, जैसे कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक, नोटबुक, बॉल, गेंद, कुछ भी कोई भी चीज है, जहां रखी है वह वहीं रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी उसी अवस्था में? जब तक कि आप उसको उठाते नहीं हो या दूसरा घर का आदमी उसको वहां से हटाता नहीं है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, चाहे गतिशील अवस्था में है या विरामावस्था में है, वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाता है। जैसे समझो बस जा रही है, ड्राइवर चला रहा है, बस जा रहा है, बस कब रुकेगा? जब वो ब्रेक मारेगा। तो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाता है। हाँ बेटा प्रश्न पूछो। हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो हाँ बोलो प्रश्न पूछो सीपे। बोलो क्या बोल रहे हो? वापस क्वेश्चन करो बेटा, वापस क्वेश्चन करो। साइकिल का टायर रहता है, टायर जो बचपन में सभी लोग चलाए रहते थे आपके विपरीत प्रतिक्रिया होती है और न्यूटन का जो ये नियम होता है वह बल पे आधारित होता है। तो आप जब तक उसमें बल लगाओगे तब तक ही वह कार्यशील रहेगा, जैसे ही वह बल खत्म हो जाएगा वह अपने आप क्या हो जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। तो विरामावस्था में लाने के, जैसे कि आपने कहा कि टायर को हम लोग ने एक बार मार दिया, तो जितनी तेजी से आपने मारा वह उतनी, जितना बल लगाया है उतनी दूरी तक जाएगा, बाद में जब वह बल खत्म हो जाएगा तो वहां पे क्या जाता है, वह रुक जाता है। जितना जिसमें बल लगाओगे, समझो कि एक गेंद को ऊपर उछालते हो,
तो जितना बल लगाओगे उतना ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा नीचे आ जाएगा बल खत्म होते ही। तो वैसे ही टायर को जब धक्का मारते हो तो एक बार धक्का मारने के बाद जब तुम बार बार उसको पुश करते बल लगाते रहे तो चलते रहेगा, लेकिन जैसे तुमने उसको बल लगाना धक्का मारना छोड़ दिया तो फिर जितना बल लगा है उतनी दूर जा करके वह वापस वहां रुक जाएगा। ठीक है धीरज सर, टाइम हो गया है, फिर हम लोग बंद करते हैं। एंड कर दीजिए सर, फिर आप लास्ट सेंटेंस बोल के। ओके ओके सर। Thank you.